लेकिन यहाँ पे एक पार्क भी एग्जिस्ट करता है, तो यदि आप इंद्रापुर तरफ आते हैं तो आप यहाँ पे पार्क में विजिट कर सकते हैं। इतना बड़ा स्पेस आप ये देखो, फिलहाल यहाँ पे टिकट फ्री है और कुछ टाइम बाद में भी कि यहाँ पे टिकट चार्ज भी लगने लगे। देखिए इतने टाइम से हम इस पार्क में घूम रहे हैं, मेरे को एक भी छपरी लोग यहाँ पे नहीं दिखी। तो देखिए क्या है ना कि अभी अभी हम लोग यहाँ पे आए सोन बाजार पार्क इंद्रापुर। इंद्रापुर में आपको पता नहीं होगा तो यहाँ पे एक, अभी अंदर जाते हैं देखते हैं वहाँ पे कितना छोटा सा पार्क है या फिर बड़ा सा पार्क है, लेकिन यहाँ पे एक पार्क भी एग्जिस्ट करता है, तो यदि आप इंद्रापुर तरफ आते हैं तो आप यहाँ पे पार्क में विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं अंदर पार्क में, देखते हैं ये होता है पार्क। पार्क में एंट्री करते ही इतना अच्छा लग रहा है, मतलब इतना यहाँ पे साफ सुथरा और काफ़ी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा पार्क है। कितना बड़ा स्पेस है आप ये देखो। चलिए यहाँ पे भी हम और घूमते हैं और देखते हैं क्या कुछ है यहाँ पे पार्क में। तो अभी देखिए ये लगता है पार्क अभी नया नया ही बना है यहाँ पे, अभी सब कुछ यहाँ पे सब कुछ पूरी तरह से ओपन भी नहीं हुआ है, सब कुछ अभी देखिए कुछ कुछ काम चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे यार बच्चे लोग हैं ना, मतलब उस तरह के आबाटी टाइप बच्चे नहीं है, एकदम सभ्य बच्चे हैं, शांत बच्चे हैं, कोई भी एकदम शांति से रहते हैं। तो देखिए क्या है ना कि यहाँ पे पार्क में मेरे को थोड़ा बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, तो जिसकी वजह से मेरे को अभी ट्राइपॉड निकालना पड़ा, क्योंकि ऐसे काफ़ी टाइम से ऐसे पकड़े पकड़े फ़ोन हाथ से काफ़ी यहाँ पे दर्द होने लग रहा है, तो ट्राइपॉड निकालते हैं और अच्छे से वीडियो बनाते हैं। तो देखिए आप कहीं भी जाना तो याद रखें कि जो जगह साफ़ सुथरा है उस जगह को आप कचरा ऐसे प्लास्टिक डाल के उसको ख़राब ना करें। ऐसे बहुत सारे डस्टबिन हैं, आप डस्टबिन का यूज़ करें। ये पहले तो इस पार्क में बहुत सारे प्लांट्स लगाए गए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ग्रीनरी है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे सफाई बहुत ज़्यादा है, कहीं पे आपको कोई प्लास्टिक नहीं दिखे। और यहाँ पे देखिए आपके एक्सरसाइज करने के लिए यहाँ पे सब कुछ बनाया गया है। इका गवर्नमेंट के पार्क है। जैसे कि त्रिपुरी जो बराज है सिंचाई विभाग का, अच्छा हाँ, तो सिंचाई विभाग का ही है वहाँ गेस्ट हाउस। और दो भाई साहब मिले, काफ़ी मतलब उन लोगों से अच्छी बातचीत हुई, थोड़ी बहुत यहाँ के बारे में बताएं और कब तक ये रहेगा और कब तक। अभी तो फिलहाल यहाँ पे टिकट फ्री है और कुछ टाइम बाद में भी कि यहाँ पे टिकट चार्ज भी लगने लगे आपको एंट्री के लिए। उन लोगों से और बात हुई कि यहाँ पे और कहाँ कहाँ हम लोग घूम सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो आपको इंद्रापुरी मैंने डैम बताया था, ये शायद डैम नहीं है, इंद्रापुरी बैराज ऐसा है कुछ है, ये भैया बता रहे थे। जैसा कि जहाँ जहाँ जा रहे थे पहले तो लोग ऐसे डैम डैम बता रहे थे, हम भी सोचे कि डैम होगा, चलो देखते हैं। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, डिफरेंस बिटवीन डैम एंड बैराज। बताएं कि आप वहाँ पे जब तुतला भवानी वाटरफॉल जाओगे तो वहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर दूरी पे कशिश नाम का कोई जगह है, मतलब कशिश वाटरफॉल वहाँ पे भी है। यहाँ से जल्दी निकलना होगा ताकि हम लोग टाइम पे हर एक जगह जहाँ जहाँ जाना है वहाँ पहुँच सके। देखिए इतने टाइम से हम इस पार्क में घूम रहे हैं, मेरे को एक भी छपरी लोग यहाँ पे नहीं दिखे। एकदम मतलब अच्छा लगता है यार पार्क में, मतलब जाओ ऐसे ही नॉर्मल आप बैठो, टाइम स्पेंड करो, वैसे अच्छा लगता है। और ऐसे पार्क में देखो कि साला छपरी लोग आके कचरा करके रख देते हैं। चलो तुम लोग को मौज मस्ती करनी है, रूम में जाओ, कहीं और जाओ, पार्क जगह इसलिए थोड़ी ना बनाया गया है। देखिए हमारे बैकग्राउंड में चलिए यहाँ पे भाई लोग मिले, बोल रहे हैं हमारा भी ब्लॉग बनाइए, तो इन लोगों को भी ब्लॉग में ऐड करते हैं। तो चलिए यहाँ के बारे में कुछ हमको बताइए, आए हैं घूमने हम आरा शहर से यहाँ पे, समझे? आरा से, आरा से। हाँ जगह तो हिले है, वहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। पार्क घूम के हमको बड़ा मजा आया, समझे? हम आए यहाँ पे पहली बार आए हैं, आज आए थे उधर वो बैराज है ना, वही सब घूमने के लिए। ठीक है भैया लोग चलते हैं, आप लोग का ब्लॉग में ले लिया हम, ठीक ना? तो चलिए चलते हैं अब यहाँ पार्क से बाहर चलते हैं। वैसे इस पार्क में एक्सपीरियंस हमारा काफ़ी बढ़िया रहा, काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे घूम के, यहाँ का जो माहौल है वो सब कुछ देख के और यहाँ पे यहाँ के लोगों से मिल के भी काफ़ी अच्छा लगा। अगर मैंने उतना कुछ इस पार्क में मतलब कवर किया है तो क्या पता इस मतलब इस पार्क का कोई सेपरेट वीडियो आए, तो ये तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये फ़ोन पर आएगा, यूट्यूब चैनल पर आएगा, मोबाइल पर? हाँ टीवी पर नहीं, मोबाइल पर आएगा। हाँ बहुत अच्छा लगता है। क्या चाहिए? पहाड़ चालू कर देते हैं ना। कौन चालू करते हैं? पहाड़ तो पहाड़ तो पानी गिरता झरना जैसा। अच्छा तो वो ऐसे कवर किए हैं, छोड़िए ना, ऐसे भी बहुत सारा हम बताए हैं यहाँ पे, क्या कुछ बढ़िया है ना सब। अभी चालू कर ले लीजिए, अभी चालू करिएगा। चलिए वहाँ पर जाते, टाइम नहीं लगेगा ना ज़्यादा? नहीं वहाँ जाइए, हम चालू कर देते हैं। वहाँ से जाने की तैयारी में लगे थे, लेकिन जब वो यहाँ पे जो स्टाफ लोग हैं वो लोग देखे कि ये वीडियो यूट्यूब पे आएगा, फ़ोन पे आएगा, तो उन लोगों को लगा कि अब आएगा फ़ोन पे देखना है तो थोड़ा और अच्छे से दिखाया जाए क्या कुछ है। तो उनका जो वहाँ पे जो पहाड़ बना है, तो बोल रहे हैं कि हम चालू करते हैं यहाँ से, अभी ऑन करते हैं, आप वहाँ पे जाओ और उसका एक अच्छा सा वीडियो बनाओ।
सोचे कि चलो वहाँ पे आपका वो कर देते हैं भाई, है ना। तो देखिए यहाँ पे फाइनली उन्होंने ऑन कर दिया है। देखिए यहाँ पे अभी पानी आना भी शुरू हो गया है। अभी अभी जस्ट उन्होंने ऑन किया है तो पूरे लोअर लेवल तक पानी नहीं आ पाया, ऊपर से भी आ रहा है। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ना। तो बताइए उन भाई साहब ने पर्सनली मेरे को दिखाने के लिए, पर्सनली मेरे लिए बताइए, मेरा इतना अच्छा यहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा है। देखिए यहाँ पे सब कुछ एकदम हमेशा साफ सफाई भी चलता है, जितना भी मतलब ऐसे अनवांटेड जो ग्रास जम जाते हैं उन सबको मतलब काटने छाटने की कटाई चल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ और है ना, यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरह से यहाँ पे सोलर पैनल भी लगाया गया, मतलब इन्वायरमेंट का भी काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा गया है। चलिए भैया, यदि आप में से कोई भी इस जगह के ऑडियंस अगर हमारे इस वीडियो तक पहुँच गए तो आप लोग तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए अपने लोगों के साथ, यहाँ के लोकल लोगों को बताइए कि हाँ इस तरह का कोई वीडियो यूट्यूब पे बनाया है किसी ने, तो लोगों को बताइए। सुना सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे, जो रात बीती सुबह तो आई ना।